हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं जितेश। तो गाइस, आज मैंने पहने ग्लव्स, और आपको पता ही होगा यार, जब भी मैं पहनता हूं ग्लव्स तो होता है कुछ खतरनाक एक्सपेरिमेंट। खतरनाक एक्सपेरिमेंट किस चीज से करेंगे हम यार? सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 जिसे कहते हैं। तो आपको पता ही होगा सल्फ्यूरिक एसिड बहुत ही खतरनाक एसिड होता है, 99% प्योर होता है। 99% प्योर होने के बाद उसका रिएक्शन हम करेंगे आज किसी ऐसी चीज से जो उसकी टक्कर की है यार। गाइस, घर में यूज़ करते हैं हम चीनी, आपको पता ही होगा यार, बहुत ही रिफाइन अगर उसको कर देते हैं तो फ्लेमेबल हो जाती है। तो आज देखते हैं एक फ्लेमेबल चीज़ दूसरी फ्लेमेबल चीज़ के साथ जब मिलेगी तो क्या रिएक्शन आता है। तो बिना टाइम वेस्ट करें यार, करते हैं एक्सपेरिमेंट शुरू। तो गाइस, मुझे क्या चाहिए? एक ग्लास, ये रखा मैंने ग्लास यहाँ पे, एक चम्मच, और चम्मच के पास यार ये चीनी। इस चीनी को मैंने यार पीस लिया है पूरा, जैसे बूरा बनता है ना, मैंने इसको इतने ज़्यादा पीस लिया है, बिल्कुल बूरा जैसा कर लिया है इसको। अब डाल तो इसके अंदर, थोड़ा और लेते हैं गाइस। इतना बहुत रहेगा गाइस। तो यार देखो, इतना मैंने इसके अंदर चीनी का पाउडर डाल लिया है। हम इसको यार चीनी लाए थे, पर मैं इसको घर से पीस के लिया है। मैंने कहा कौन बार बार वहाँ दिखाएगा इस चीज़ को, तो मैं घर से इसको पीस के ले आया बिल्कुल अच्छी तरह। अब इसका कुछ काम नहीं, इसको रखते हैं साइड में। ये रखा मैंने इसको साइड में। अब बस गाइस, क्या करना है, रिएक्शन का टाइम आ गया है गाइस। अब बस हमको ये सल्फ्यूरिक एसिड, आपको दिख रहा होगा, देखो सल्फ्यूरिक एसिड सिर्फ मेरे को इसके ऊपर डालना है और इसको सिर्फ मिक्स करना है गाइस। फिर होगा रिएक्शन, कुछ धमाकेदार रिएक्शन जो आप देखोगे। तो मैं आपको दिखाता हूँ गाइस, ये खोला मैंने सल्फ्यूरिक एसिड, अब फिर डाल दो इसके अंदर। अब बस इसको मिक्स कर लेते हैं जल्दी से। गाइस, रिएक्शन शुरू हो गया, रिएक्शन शुरू हो रहा है। ग्लास बहुत गर्म हो चुका है अभी तक। गाइस देखो, देखा गाइस रिएक्शन, देखो कितना प्यारा रिएक्शन आ रहा है। इसकी स्मेल बहुत बुरी है गाइस, बहुत बुरी स्मेल है इसकी, बहुत ज्यादा। गाइस ऐसे बिल्कुल फैल के आया ना इस वक्त, कि जैसे बिल्कुल वोल्केनो होता है ना, एकदम बाहर रहता है पहाड़ से, सेम वैसे आया है, बहुत ही स्पीड से बाहर आया है। तो गाइस अभी इसमें तो निकल रहा धुआं, तो ये बहुत गर्म, अभी तो मैं इसको छेड़ूंगा नहीं, थोड़ा सा वेट करते हैं फिर मैं दिखाऊंगा इसको छेड़ कर। तो गाइस देखा यार आपने इसका रिएक्शन, एकदम कैसे वोल्केनो की तरफ बाहर आते उभर के। तो इसके पीछे का रीज़न यार ये होता है, देखो जो चीनी होती है उसका रिएक्शन जो डिहाइड्रेशन वाला होता है वो थोड़ी हीट प्रोड्यूस करता है। जब H2SO4 के साथ मिला तो उसने हीट प्रोड्यूस करी, और वो उस हीट के कारण पूरा बाहर आ गया ग्लास से ऐसे। तो अब मैं दिखाता हूँ आपको ये कैसा, देखो गाइस ये पूरा जम गया है इस वक्त, ये मैंने तोड़ा इसको, ये जो ग्लास के साथ उठ के आ गया गाइस, ये ग्लास के साथ उठ के आ गया इस वक्त। गाइस इस वक्त बहुत गर्म है ये, अभी भी बहुत गर्म है ये। देखो ये नीचे चीनी अभी भी बची हुई है गाइस, ये आपको दिख रहा होगा, देखो चीनी बच रही है अभी। गाइस यार अभी भी बहुत गर्म है ये, पकड़ने में पता चल रहा है बिल्कुल बहुत गर्म है। तो ये ऐसा हो गया गाइस जैसे सांप की गोली आती थी जिससे हम खेलते दिवाली वाले, सांप की गोलियाँ, बिल्कुल सेम वैसा हो गया ये। आप उसको अगर चाहो तो ऐसे भी यूज़ कर सकते हैं, पर मैं कहूँगा यार आप ऐसे एक्सपेरिमेंट घर पर ट्राई मत करना, आपका भाई है ना इस चीज़ को करने के लिए। तो आप सिर्फ कुछ मत करो, कमेंट्स में मेरे को आइडिया बताओ नए नए जो आपके दिमाग में आते हो, कि गाइस ऐसा करने से क्या हो सकता है, ऐसा करने से क्या हो सकता है। आपका भाई आप लोगों के लिए वो सारी चीज़ ट्राई करेगा चैनल पर, और आपको शाउट आउट भी देगा जिसका एक्सपेरिमेंट मेरे को अच्छा लगा। तो गाइस ये था आज की वीडियो में, ये होता है रिएक्शन अगर हम चीनी के साथ H2SO4 मिलाते हैं तो। अगर गाइस आपको वीडियो लगी हो अच्छी, तो वीडियो करना लाइक और चैनल को सब्सक्राइब।
आगे आगे ऐसी बहुत सारी वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। तो अब मिलता है दोबारा नई वीडियो में कुछ नया करते हुए, तब तक के लिए बाय बाय।